नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल जस्ट ईज पर आज है 22 अगस्त 2020 आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स एक सिस्टमेटिक वे में कैटेगरी वाइज वीडियो के अंत में मैं आपसे दो क्वेश्चन पूछूंगा जिसमें से एक रहेगा इस वीडियो से रिलेटेड और दूसरा रहेगा स्टैटिक जी से रिलेटेड इस वीडियो की पी को आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा Plus, आप हमसे जुड़ सकते हैं ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन फ्रॉम ऑर फर्स्ट कैटेगरी ऑफ करंट अफेयर्स हमें यह जानने को मिलता है कि एक नया कल्चरल एग्रीमेंट साइन किया गया है बिटवीन इंडिया एंड इसराइल टू स्ट्रेंथन स्ट्रेटेजिक बायोलिटरल टाइज बाय प्रमोटिंग पीपल टू पीपल एक्सचेंजेस साथ ही साथ यहां पर एक और एग्रीमेंट साइन किया गया है इन द फील्ड ऑफ वाटर यूटिलिटी ऑन इंडो इसराइल बुंदेलखंड वाटर प्रोजेक्ट कल्चरल एग्रीमेंट बेसिकली एक सीरीज ऑफ एग्रीमेंट है बिटवीन इंडिया एंड इसराइल जो फोकस करते हैं ऑन एक्सचेंज ऑफ कल्चर एंड आर्ट एक्सपर्ट्स कोऑपरेटिव प्रोटेक्शन ऑफ कल्चरल हेरिटेज लिटरली फेस्टिवल्स फिल्म फेस्टिवल्स स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम एंड मोर बात करें इसराइल की इसराइल एक ईस्टर्न कंट्री है इसराइल की कैपिटल है यरूशलम इसराइल की करेंसी है इसराइली शकेल और इसराइल के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर हैं बेंजामिन नेतन्याहू मूव करते हैं अगले करंट अफेयर की तरफ जहां पर हम देखते हैं कि एक स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट साइन किया गया है बिटवीन अटल इनोवेशन मिशन एंड बिजनेस स्वीडन ऑन बिहाफ ऑफ इंडिया स्वीडन हेल्थ केयर इनोवेशन सेंटर इंडिया स्वीडन हेल्थ केयर इनोवेशन सेंटर एक एसोसिएशन है बिटवीन एम्स डेली एम्स जोधपुर एंड बिजनेस स्वीडन के बीच में इस एसोसिएशन का ऑब्जेक्ट है टू क्रिएट एन इको सिस्टम ऑफ ओपन इनोवेशन इन बोथ ऑफ कंट्रीज बात करेंगे इस स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट की तो ये वर्चुअली साइन किया गया है जिसका ऑब्जेक्ट है टू एक्सपेंड कल्चरल इनोवेशन इन द कंट्री इस स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट के कारण से ही जो वेरियस अटल इनोवेशन मिशन इनिशिएटिव्स हैं जैसे कि अटल इनक्यूबेशन सेंटर अटल न्यू इंडिया चैलेंज इनके अलावा और भी जो इनिशिएटिव हैं उनको सपोर्ट मिलेगा प्लस इंप्रूवमेंट आएगी इन ओवरऑल इनोवेशन ग्रेड ऑफ बोथ कंट्रीज अगला एम साइन किया गया है बिटवीन मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग इसका ऑब्जेक्टिव है टू प्रमोट स्किल डेवलपमेंट इन मेरी सेक्टर प्लस इट एम्स टू स्किल री स्किल एंड अप स्किल द मैन पावर इन मेरी इंडस्ट्री और उसके साथ साथ ये फोकस करता है ऑन डेवलपमेंट ऑफ कोस्टल कम्यूनिटी एग्जाम परस्पेक्टिव से जो इंपॉर्टेंट चीज़ें इस करेंट अफेयर से निकल के आती हैं वो है यूनियन मिनिस्टर फॉर स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रन्योरशिप हैं महेंद्र नाथ पांडे और मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज ऑफ शिपिंग हैं मनसुख एल मांडवे मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट कैटेगरी हमारा पहला इंपॉर्टेंट डे है वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे जो कि ऑब्जर्व किया जाता है एवरी ईयर ट्वेंटी फर्स्ट अगस्त को बात करेंगे इसकी हिस्ट्री की इस डे को ऑफिशियली फाउंड किया गया था बाय द यूएस प्रेसिडेंट रोनाल्ड रेगन और इसको प्रोक्लेम किया गया था एज एन इंटरनेशनल डे बाय द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ऑन डिसम्बर फोर्टीन नाइनटी दूसरा इंपॉर्टेंट डे है इंटरनेशनल डे ऑफ रिमेम्बरेंस एंट्रीब्यूट टू द विक्टिम ऑफ टेररिज्म यह हर साल ट्वेंटी अगस्त को ऑब्जर्व किया जाता है बाय द यूनाइटेड नेशन इस डे को पहली बार डेजिग्नेट किया गया था एज ए इंटरनेशनल डे बाय यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली इन ईयर 2017 और इसको पहली बार ऑब्जर्व किया गया था इन ईयर 2018 इस साल इस डे पर ऑनलाइन हाई लेवल इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया है जिसका टाइटल है नॉट फॉरगॉटन स्टोरीज ऑफ रिमेंबरेंस ऑफ विक्ट ऑफ टेररिज्म इस इवेंट पे पार्टिसिपेट किया गया बाय द विक्ट ऑफ टेररिज्म एंड यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल एंटेनियो गुटेस यहां पर अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करी गई विक्टिम्स को टू स्पीक अबाउट देयर एक्सपीरियंस इन देयर ओन टर्म्स मूविंग ऑन टू द इंटरनेशनल करंट अफेयर्स हम देखते हैं फ्रांसिस्को पास्कुअल ओबामा असू को रीअपॉइंट किया गया है एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ रिपब्लिक ऑफ इक्विटोरियल गिनी इनको अपॉइंट किया गया है एज अ पी एम फॉर थर्ड कंजिक्यूटिव टर्म बात करेंगे अगर रिपब्लिक ऑफ इक्विटोरियल गिनी की तो ये एक सेंट्रल अफ्रीकन कंट्री है इस कंट्री की कैपिटल है मलाबो इस कंट्री की करेंसी है सेंट्रल अफ्रीकन फ्रैंक। और यहाँ के प्रेजिडेंट है ट्योडोरोबिया नेक्स्ट करंट अफेयर आता है रिपब्लिक ऑफ ट्रिनेदाद एंड टोबागो से यहाँ पर पीएम के पद पर शपथ ली है कीथ राउली ने ये इनका सेकेंड कंजर्वेटिव टर्म होगा ये रूलिंग पार्टी पीपल नेशनल मूवमेंट से आते हैं जिसने 22 आउट ऑफ 42 इलेक्टोरल सीट्स जीती हैं बात करेंगे रिपब्लिक ऑफ ट्रेनेदाद एंड टोबागो के तो ये एक करेबियन कंट्री है जिसकी कैपिटल है पोर्ट ऑफ स्पेन रिपब्लिक ऑफ ट्रेनेदार एंड टोबागो की करेंसी है ट्रेनेदाद एंड टोबागो डॉलर और इसकी प्रेजिडेंट है पौला मे वीक्स मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट कैटेगरी गोपाल स्वामी अयंगर कस्तूरी रंगम जो कि एक फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर एडमिनिस्ट्रेटर एंड पिच क्यूटर थे वो अब हमारे बीच नहीं रहे ये एक फास्ट बॉलर थे फर्स्ट क्लास क्रिकेट से रिटायरमेंट ली थी आफ्टर 1962-63 सेशन और उसी के साथ साथ ये सर्व कर चुके हैं एज अ चेयरमैन ऑफ बीसीसीआई ग्राउंड्स एंड पिच कमेटी एंड कर्नाटका स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन बात करेंगे रिपोर्ट रैंकिंग्स एंड सर्वे की रिसेंटली नीति आयोग ने एक पैनल गठित किया था जिसको हेड किया था रमेश चंद ने इस पैनल की रिपोर्ट आई है जिसका नाम है सुगर केन एंड शुगर इंडस्ट्री रिपोर्ट 2020 इस रिपोर्ट ने रिकमेंड किया है लिंकिंग ऑफ सुगर के प्राइसेस टू शुगर रेट्स साथ ही साथ वन टाइम हाइक इन मिनिमम शुगर प्राइस टू रुपीस थर्टी थ्री पर केजी भी सजेस्ट किया गया है और यह इसलिए सजेस्ट किया गया है विथ कीपिंग इन माइंड द प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ शुगर मिल ये रिपोर्ट फर्दर सजेस्ट करती है रेवेन्यू शेयरिंग फॉर्मूला इन एसोसिएशन विद प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड ताकि इंश्योर किया जा सके प्राइस मैचिंग विद फेयर एंड डेमोनोरेटिव प्राइसेस प्लस यह हर छह महीने में एक पीरियोडिक रिविजन ऑफ मिनिमम सपोर्ट प्राइस को भी रिकमेंड करती है बात करेंगे अगर रेवेन्यू शेयरिंग फॉर्मूला की यह एक फिजिकल फेडरलिज्म है जो कि रिप्रेजेंट करता है जहां पर स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट मिलकर के एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करती हैं, फॉर शेयरिंग ऑफ टैक्सेस ऑन सर्टेन थिंग्स एट अ प्री फिक्सड रेशियो बात करेंगे अगर नीति आयोग की इसका गठन किया गया था जनवरी एक दो को इस इंस्टीट्यूशन ने प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया था नीति आयोग की फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया नीति आयोग के प्रेजेंट टाइम पे सीईओ हैं अमिताभ कांत इसके वाइस चेयरमैन हैं डॉक्टर राजीव कुमार और यह हेडक्वार्टर है इन न्यू दिल्ली अगली कैटेगरी से पहला करंट अफेयर जो निकल के आता है वह है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने लॉन्च किए हैं टर्चरी प्रोसेसिंग सेंटर्स अंडर ट्राई प्रोजेक्ट जो ये दो सेंटर्स ओपन किए गए हैं उसमें से एक है महाराष्ट्र स्टेट में और दूसरा है इन द स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ ये जो प्रोजेक्ट है वो इम्प्लीमेंट कराया जाएगा बाय द ट्राईफेड इस प्रोजेक्ट का एम है टू इंक्रीज इन वैल्यू एडिशन टू द नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोडक्ट जो कि कलेक्ट किए जाते हैं बाय द ट्राइबल फॉरेस्ट गैदरर्स बात करेंगे ट्राइफेड की इसके बारे में मैंने कल भी आपको बताया था ये एक नोडल एजेंसी है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स जिसकी स्थापना हुई थी 2018 में और इसके ऑब्जेक्टिव हैं टू प्रमोट एंड सेल माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट कलेक्टेड और कल्टीवेटेड बाय द ट्राइबल्स इसके बाद हमारे हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने लॉन्च किया है फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड वीडियो गेम जिसका नाम है द कोरोना फाइटर्स इसका ऑब्जेक्टिव है टू क्रिएट अवेयरनेस अमंग पब्लिक अबाउट हाउ टू यूज मास्क हाथ कैसे धोने हैं प्लस हेल्दी ईटिंग हैबिट्स और फूड्स से रिलेटेड अवेयरनेस फैलाना इसके साथ साथ हेल्थ मिनिस्टर ने दो प्रमोशनल वीडियोस भी रिलीज करी हैं रिगार्डिंग कोविड 19 गाइडलाइंस और इन वीडियोस को एक तरह की सोशल वैक्सीन कहा गया है नेक्स्ट स्कीम है वो लॉन्च करी गई है राजस्थान के सी एम, श्री अशोक गहलोत द्वारा जिसका नाम है इंदिरा रसोई स्कीम ये बेसिकली इन्होंने लॉन्च करी है ड्यूरिंग द कमोरेशन ऑफ श्री राजीव गांधी ऑन द ट्वेंटी एट दिवस इस स्कीम के थ्रू लगभग चार दशमलव आठ सात करोड़ जरूरतमंदों को खाना प्रोवाइड करा जाएगा एट द रेट ऑफ रुपीज एट पर मील इस स्कीम के अंडर टोटल तीन सौ अट्ठावन किचन खोले जाएंगे अक्रॉस दिसेंटली आर बी आई हैज कम अप विद सेकेंड नेशनल स्ट्रेटेजी फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन टू थाउजेंड ट्वेंटी ट्वेंटी टू टू थाउजेंड ट्वेंटी फाइव ये एक तरह की डॉक्यूमेंट है जिसके जरिए आरबीआई एम करता है इन डेवलपिंग फाइनेंशियल सर्विसेज एंड फाइनेंशियल लिटरेसी अक्रॉस द कंट्री इससे पहले फर्स्ट नेशनल स्ट्रेटेजी फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन को लाया गया था 2013 से 2018 के लिए इस डॉक्यूमेंट में फाइव सी अप्रोच पर फोकस किया गया है जो इंक्लूड करते हैं कंटेंट डेवलपमेंट कैपेसिटी बिल्डिंग कम्युनिटी मॉडल कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजी एंड कोलाबरेशन ऑफ स्टेक होल्डर्स बात करेंगे आर की आर को स्टेब्लिश किया गया था ऑन फर्स्ट अप्रैल नाइनटीन और इसके प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर हैं शक्तिकांत दास आरबीआई का हेडक्वार्टर आपको मिलेगा मुंबई में अगला लॉन्च है एक एप्लीकेशन का जो कि गूगल द्वारा करी गई है इसको बेसिकली इंडियन मार्केट में लॉन्च किया गया है इसका नाम है कोरमो जॉब्स ऐप ये एम करती है टू प्रोवाइड एंट्री लेवल जॉब्स एंड हेल्प पीपल हु लॉस्ट देयर जॉब ड्यूरिंग कोविड 19 पेंडेमिक इसको पहले लॉन्च किया गया था बांग्लादेश में इन 2018 उसके बाद इसके ऑपरेशंस को एक्सपेंड किया गया था इन इंडोनेशिया इन 2019 थाउजेंड और इसके बाद अब इसको लॉन्च किया गया है इन इंडिया इससे पहले इसका ट्रायल रन किया जा चुका है इन इंडिया अंडर द ब्रांड ऑफ स्पॉट बात करेंगे गूगल को स्टैब्लिश किया गया था इन ईयर नाइनटीन इसके प्रेजेंट टाइम पे सीओ है सुंदर पिचई और इसके हेडक्वार्टर आपको मिलेंगे कैलिफोर्निया यूएस में बात करेंगे साइंस एंड टेक की तो यहाँ न्यूज रिलेटेड है चंद्रयान टू से जिसने एक साल कंप्लीट कर लिया है इन द लूनर ऑर्बिट इसने लूनर ऑर्बिट में एंट्री की थी ट्वेंटी अगस्त टू चंद्रयान टू के तीन मिशन प्रोजेक्ट थे जो तीन पार्ट थे इस मिशन के वो थे एक ऑर्बिटर जो कि सक्सेसफुल रहा दूसरा था लैंडर विक्रम तीसरा था रोवर प्रज्ञान लैंडर विक्रम सॉफ्ट लैंडिंग करने में असफल रहा था बात करेंगे इसरो की इसरो का फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन को स्टैब्लिश किया गया था ऑन फिफ्टी अगस्त नाइनटीन सिक्सटी इट्स फाउंडर विक्रम सारा भाई इसके प्रेजेंट डायरेक्टर हैं डॉक्टर के सिवान और इसरो के हेडक्वार्टर आपको मिलेंगे बेंगलुरु में बात करेंगे स्पोर्ट्स सेक्शन की यहाँ पर हाल ही में नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड अनाउंस किए गए हैं ये अवार्ड्स हर साल अनाउंस किए जाते हैं टू रिकॉग्नाइज एंड रिवॉर्ड एक्सीलेंस इन स्पोर्ट्स ये अवार्ड्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा अनाउंस करे गए हैं एज पर द रिकमेंडेशन ऑफ सिलेक्शन कमेटी हेडेड बाय रिटायर्ड जस्टिस मुकुंद शर्मा जो कि फॉर्मर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया रह चुके हैं इस बार कोविड 19 पेंडेमिक के चलते ये अवार्ड्स वर्चुअल मोड के थ्रू कन्फर किए जाएंगे ऑन ट्वेंटी अगस्त 2020 बात करते हैं राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड्स की इसमें सबसे पहला नाम आता है रोहित शर्मा इन डिसिप्लिन ऑफ क्रिकेट दूसरा नाम है मरियप्पन टी इन पैरा एथलेटिक्स मिस विनेश इन रेसलिंग मिस मनिका बत्रा इन टेबल टेनिस मिस रानी इन हॉकी आपको पूरी अवार्ड लिस्ट जिसमें अर्जुन अवार्डीज द्रोणाचार्य अवार्डीज की लिस्ट है उसका एक्सेस मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम ग्रुप में वहां जाकर आप इस लिस्ट की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं रिसेंटली इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने साइन किया है स्पॉन्सरशिप एग्रीमेंट विद आयनोक्स ग्रुप जो बनेगा स्पॉन्सर ऑफ इंडिया इन टोक्यो ओलंपिक्स टोक्यो ओलंपिक्स जैसा कि आप जानते हैं कोविड 19 पेंडेमिक के चलते रिस्केड्यूल कर दिया गया है बिटवीन जुलाई एंड अगस्त 2021। बात करेंगे आयनॉक्स ग्रुप की तो ये स्टैब्लिश किया गया था इन ईयर नाइनटीन इसके प्रेजेंट सीईओ हैं आलोक टंडन इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा मुंबई में अब बात करते हैं इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के बारे में इसको फाउंड किया गया था 1927 में इसके प्रेजेंट टाइम पर प्रेसिडेंट है डॉक्टर एन डी बत्रा बात करेंगे मिसलेनियस सेक्शन की तो इसमें एम पहला स्टेट बन जाएगा टू ऑफर जॉब्स बेस्ड ऑन कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट जो कि कंडक्ट कराए जाएंगे बाय द प्रपोज नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी बात करेंगे कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट की तो ये एक फर्स्ट ईयर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन है जिसके स्कोर्स वैलिड रहेंगे तीन साल के लिए बट अ कैंडिडेट कैन रीअपियर मल्टीपल टाइम्स टू अपग्रेड इस पोजिशन एंड स्कोर्स बात करेंगे नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी की ये एक मल्टी एजेंसी ऑटोनोमस बॉडी होगी जो कंडक्ट कराएगी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट टू फिलफिल द वैकेंसी ऑफ नॉन गेजेटेड ऑफिसर पोस्ट इन ग्रुप बी एंड ग्रुप सी फॉर रेलवे बैंक एंड एस एस सी आगे देखते हैं तो एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ने डिक्लेयर किया है कि वे रिलैक्स करेंगे अपने नॉर्म्स टू हेल्प पीपल जिनकी जॉब्स चली गई है ड्यूरिंग कोविड नाइन्टीन पेंडेमिक बिटवीन ट्वेंटी फोर्थ मार्च टू डिसम्बर थर्टी वन प्लस ये पे करेंगे फिफ्टी परसेंट ऑफ थ्री मंथ वेजेस एज अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट इस स्कीम को एक्सटेंड कर दिया गया है टू जून नेक्स्ट ईयर अंडर अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना बात करेंगे एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन की ये एक स्टैचूटरी बॉडी है जो कि आती है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट और इस टाइम पर हमारे लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर हैं संतोष कुमार गंगवार मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट करंट अफेयर हम जानेंगे कि रेलिगेर हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी जो कि एक गुड़गांव बेस्ड कंपनी है उसका नाम चेंज कर दिया गया है और इसका नया नाम है केयर हेल्थ इंश्योरेंस चलते हैं आज के क्वेश्चंस की तरफ आज का पहला क्वेश्चन है रिसेंटली नीति आयोग ने शुगर केन एंड शुगर इंडस्ट्री रिपोर्ट 2020 रिलीज की है जिस पैनल ने ये रिपोर्ट बनाई थी उस पैनल को हेड किसने किया था आपके ऑप्शन है डॉक्टर राजीव कुमार अमिताभ कांत रमेश चंद और डॉक्टर एन डी बत्रा आज का दूसरा क्वेश्चन है आपको इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वाटर किस देश में मिलेंगे ऑप्शन ए इटली ऑप्शन बी फ्रांस ऑप्शन सी यूनाइटेड किंगडम ऑप्शन डी जर्मनी इन क्वेश्चंस का आंसर आप कमेंट बॉक्स में अटेंड करें और ये वीडियो आपको अगर इन्फॉर्मेटिव लगी तो इस वीडियो को लाइक करें शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें धन्यवाद दोस्तों